जरा मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है सनम। मिस्टर जान छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप? आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ, आप मुझे जानते ही कितना है। सनम ये कोई मजाक है क्या, या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम प्लीज ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुको? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं। जाइए, मतलब वो खिड़की से कूद कर भाग गई, ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ, ना वो भाग गई, अब कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या मिस्टर जान यहाँ आए और वो खिड़की से कूद कर भाग गई, जरूर कुछ प्रॉब्लम रही होगी। प्रॉब्लम है क्या? हाँ। पर मुझे तो नहीं लगता, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो दरवाजे से जाओ ना, खिड़की से क्या कूदना। हाँ सही कहा, ओके बे, ऐसा वो तभी करती है जब कोई प्रॉब्लम हुई होती है, वो हमेशा ऐसा ही करना चाहती थी, पर मिस्टर जान जब आए तब क्यों भागी? अगर लैला होती ना तो उसे सब पता चल जाता हमें। ओहो, उसने कहीं ऑफिस में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? पता नहीं अब इस बार क्या किया इस लड़की ने, कहीं कोई फाइनेंशियल गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? अरे बस करो मेयूकी, शांत हो जाओ। जहाँ हमारी बेटी काम करती है वहाँ पर हेल्पर का काम करती है, वो कैसे कंपनी में गड़बड़ कर सकती है? हमारी बेटी ना पागल है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ थोड़ी सी शैतान है पर वो ऐसा नहीं करेगी। लगता है सनम आई होगी, मैं जाकर जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है? हाँ लेकिन ज्यादा प्यार से बात मत करना, मेरी तरह सख्त होकर पूछना। सनम सनम कहाँ गई थी तुम? मॉम क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं अभी बताओ मुझे। सनम सनम क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात नहीं है ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ, तुम मिस्टर जान से मिली थी, वो तुमसे गुस्सा हुए, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ नहीं मॉम, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है, बताओ ना। मॉम मैं हर बात आपको नहीं बता सकती, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, बस आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा, आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम मैं वहां काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है नहीं जाना चाहती तो मत जाओ।